नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि कोविड की दूसरी लहर में काफ़ी बिजी रहना पड़ा और हम वीडियो बनाने में काफ़ी लेट कर दिए, नहीं बना पाए, बिजी ज़्यादा रहते थे। आज हमारा जो थेरेपेटिक इंडेक्स चल रहा था उस पर आज हमारा अल्फाबेटिकल जी पे कुछ डिजीज की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की बात हम करते ही करेंगे जो ड्राइव में काम आती हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो एक्सीलेंट तीन रेमेडी हैं उसका भी साइज होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कौन कौन सी मेडिसिन काम करती है और वो निकल जाएगा या उसके लिए आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कराना पड़े। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में नंबर एक मेडिसिन चाइना, कलकेलियाकार, बल्बरिस वल्गरिस, ये मेडिसिन तीन बहुत अच्छा काम करती हैं। और कोलेसिस्टरनिन 3x में भी आप लोग इसको दो गोली दिन में तीन से चार बार ले सकते हैं, काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन। जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ प्लीज करके आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लेना है। ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सिम्टम्स के अनुसार होम्योपैथी में दवाइयाँ अलग अलग बदल जाती हैं। दूसरी जी से बीमारी हो जाती गैंग्लियन, जो आपने देखा होगा कहीं पे भी व्रिस्ट में हो जाता है, कहीं पे गांठ निकल आती है, काफ़ी हार्डनेस गांठ होती है, उसको गैंग्लियन कहा जाता है। तो वो बहुत पेन होता है और उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है या उसको इंसेफ्लाइज करके बाहर निकाला जाता है। तो उसको कम करने के लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं और हमारे पास बहुत से गैंग्लियन के केस हैं जो बिल्कुल मिरेकुलस रिजल्ट हैं, उनमें आराम मिल जाता है। इसकी सबसे पहले एक दवा रूटा है, दूसरी बेंजोइक एसिड है और तीसरी कलकेलिया फ्लोर है। कलकेलिया कार भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है, लेकिन कलकेलिया फ्लोर, बेंजोइक एसिड एंड रूटा, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा इफेक्टिव काम करती है हमारे गैंग्लियनिक सिस्ट हो जाती है। अगर पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रेल्जिया है, पेट में दर्द होता है तो उसके लिए बिस्मथ है, नक्स वोमिका है, प्यूप्रामार्स है और फास्फोरस मेडिसिन दी जाती हैं जो गैस्ट्रेल्जिया में बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी आर्सेनिक एल्बम का भी बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम गैस्ट्रिक अल्सर की जो तीन टॉप मोस्ट की दवाइयाँ हैं वो अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक एंड यूरिक नाइट्रियम भी मेडिसिन होती हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए दी जाती है। गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हो रही है तो उसके लिए आर्सेनिक, नक्सवोमिका, फास्फोरस, हाइड्रेस्टिस, ये मेडिसिन काफ़ी हद तक काम करती है। रूबीनिया मेडिसिन भी काफ़ी हद तक काम करती है आपके गैस्ट्राइटिस में। अगर किसी को मोशन स्टार्ट हो गए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तब उसके लिए आपको आर्सेनिक एल्बम, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड नक्सवोमिका भी काम करती है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स कैसे कैसे आपको सिम्टम आ रहे हैं। कभी कभी कहीं कहीं की गांठें सूजन आ जाती है, उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन पाई जाती है। ब्लडोना, मरकायोट, फाइटोलक्का, काली हाइड्रोसाइड, ये मेडिसिन होती है जो काफ़ी हद तक काम करती है। ब्लडोना भी एक्यूट केस में अच्छा काम करती है ग्लैंड स्वेलिंग के लिए। ग्लोसाइटिस, जो कभी कभी हमारे जानों में दाने पड़ जाते हैं उसके लिए ग्लोसाइटिस है, उसके लिए एपीएस म्यूरिक एसिड काम करती है और बोराइक्स भी काफ़ी हद तक काम करती है। गाउट, अगली जी से जो बीमारी होती है बहुत देखने को मिलती है, गाउट यूरिगेटिंग एसिड डाइजेसिस मिलती है, उसमें हमारा लाइकोपोडियम जो है एंड एसिड बेंजोइक काम करती है, बल्बरिस वल्गरिस काम करती है, अल्टिका यूरेंस काम करती है। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके की है जो हमारे गाउट के अटैक को कम करती है। और अगला लास्ट जो बीमारी जी से देखने को बेसिकली मिलती है कम बॉय, हमारे मसूड़ों में जो होता है फोड़ा हो जाता है, उसके लिए हमारे पास ब्लडोना एवन क्लास की मेडिसिन है, मरकॉल हेक्लालावा मेडिसिन पाई जाती है जो काफ़ी हद तक अच्छे तक काम करती है। कभी भी बहुत ज़्यादा अगर आपको टूथ पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग एक मदर टीचर आता है उसमें को रखने से भी काफ़ी हद तक काम करते हैं। टूथे के लिए प्लांटोको मेजस मदर टीचर आता है, दर्द में बहुत अच्छा काम करते हैं। और हेक्लालावा एब्सेस के लिए और हेक्लालावा एब्सेस में गम बॉयल में काम करते हैं जिससे काफ़ी हद तक आराम
मिल जाता है। और कैलेंडुला से आप लोग ओरल हाइजीन करना ना भूलें, उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है आपको हाइजेनिक मेंटेन करने। दोस्तों अब हमारे वीडियो होम्योपैथिक से रिलेटेड जो है वो रेगुलर आते रहेंगे, काफ़ी दिनों बाद हमने ये वीडियो डाला हुआ है। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9305858930 या 9453885152 पे शाम को 6 से 6 to 9 पर आप से मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या 24 आवर्स कभी भी व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज कर सकते हैं, हम उनका पूरी कोशिश करेंगे उसको मैनेज करने के लिए। दोस्तों होम्योपैथी पे भरोसा करिए, और होम्योपैथी काफ़ी हद तक आपको बीमारियों से राहत दिलाती है। और ये लोग कहते हैं कि होम्योपैथी जो है क्रोनिक डिजीज में काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से केस ऐसे हैं। और एक्यूट केस में अगर दवाई सही गई है, दवा के साथ साथ अगर पोटेंसी सही गई है, और पोटेंसी के साथ साथ अगर होम्योपैथी की स्केल सही गई है, डेसिमल स्केल देना है, सेंटिसिमल स्केल देना है, एलएम पोटेंसी देनी है, सभी पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे आपको बीमारी है, किस लेवल तक बीमारी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है, आपका मेंटल लेवल कैसा है। और इसके साथ में अगर डाइट, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज किया जाए, तो सभी बीमारियों को मैक्सिमम काफ़ी हद तक वेल मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों खुश रहिए, हेल्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, और हमेशा अपने को कोविड से बचा के रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार, सब का ख्याल, गुड नाइट।